राष्ट्रीय सिंधी महासंघ द्वारा 15वां भगवान झूलेलाल चालिया महोत्सव का आयोजन बड़ी भक्तिभाव के साथ आयोजित किया गया। एक और जहां भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रमों में समाज के लोग उत्साह और उमंग में डूबे रहे, तो वहीं बलकेश्वर में भगवान की पवित्र ज्योति का विसर्जन झूलेलाल घाट पर किया गया और हर तरफ आयोलाल झूलेलाल के जयकारे गूंज रहे थे। कमलानगर पानी की टंकी के पास महासंघ कार्यालय पर 15वां चालिया महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ योगी रुद्रनाथ ने भगवान की ज्योति के सामने दीप प्रज्वलित कर किया। सिंधी समाज के लोगों ने देर रात तक सांस्कृतिक कार्यक्रम व भंडारे का आयोजन भी किया। महासंघ के अध्यक्ष महेश सोनी ने बताया कि चालिया महोत्सव भगवान झूलेलाल की 40 दिन की उपासना व्रत करने के बाद अंतिम दिन हर्षोल्लास के साथ समापन किया जाता है। महासंघ 42 वर्षों से लगातार सामाजिक कार्यक्रम करता आ रहा है, इसी कड़ी में चालिया महोत्सव का भी आयोजन किया गया। आज हमारे यहाँ भगवान झूलेलाल जी का चालिया महोत्सव मनाया जाता है। हमारे यहाँ 40 दिन व्रत रखने के उपरांत आज के दिन हम लोग जो है इसका समापन करते हैं। समापन में भगवान झूलेलाल जी की जोत जगती है और संगीत का कार्यक्रम होता है, भक्ति संगीत का, और भंडारे आदि का आयोजन होता है। और हमारे जो सेंट्रल पंचायत और बुजुर्ग आते हैं उन सबका आज हम लोग सम्मान करते हैं। आज का यह कार्यक्रम होता है। यूँ तो राष्ट्रीय सिंधी महासंघ का 42 वर्ष से कार्य कर रहा है, पर यूसी के अंदर एक ये चालिया महोत्सव है, इसे हम 15 साल से मना रहे हैं और काफ़ी ऐसे कार्यक्रम हम समाज के लिए करते रहते हैं जो प्रेरणादायक होते हैं तथा हमारी संस्कृति को उजागर करते हैं तथा भाषा के ऊपर भी हमारे कार्यक्रम होते रहते हैं, उसी में एक आयोजन चालिया महोत्सव। आज चालिया साहब का पर्व समाप्त हो रहा है, उसी कड़ी में जगह जगह भराणा साहब और ज्योति विसर्जन के कार्यक्रम चल रहे हैं और कल जो है बलकेश्वर से एक पूरी बस भर के जा रही है हरिद्वार, सिंधी सेंट्रल पंचायत वहाँ पे भी उनके स्वागत के लिए पहुँच रही है और सर्वानंद घाट जो है अमरापुर दरबार का घाट है वहाँ पे भराणा साहब है और भव्य कार्यक्रम वहाँ पे भी रखा गया और आगरा की सेंट्रल पंचायत वहाँ पे भी जा रही है। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ सदस्यों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अंत में भगवान की ज्योति का विसर्जन बलकेश्वर स्थित झूलेलाल घाट पर किया गया। डीजी महाराजा न्यूज के लिए हरेंद्र पचौरी की रिपोर्ट।